हाय वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। जो लोग फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं वो लोग अपने लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंस्टॉलेशन SSD। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि SSD को कैसे इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में और अपनी लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अभी हम चलते हैं इसको असेंबल कराने। संजीव टेक्नोलॉजी लैपटॉप रिपेयर एंड सर्विस संजीव जी के पास में। संजीव भैया नमस्कार। भैया कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया, और क्या कर रहे हो भैया? कुछ काम कर रहे हैं भैया। अच्छा, मेरा वो जो सामान मंगाया था वो आ गया है। हाँ ठीक है, ले आओ, आप अंदर ले आओ, उसको करने का। भैया जो है हमारे दादरी में बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि लैपटॉप रिपेयर में सबसे बेहतरीन काम करने वाले हैं। संजीव भैया क्या कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? ये किसी कस्टमर का आया है। अच्छा, और ये डेड है। अच्छा, तो आप इसको इसको भी डेड को भी जिंदा कर दोगे? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आप एक बार सेवा का मौका दें। हाँ, तो मैं संजीव जी की शॉप पे पहुँच चुका हूँ और इसमें जो आपने बोला वो इंक्रीज करके अपडेट कर दीजिए। तो रमन भैया, जैसे आपने बोला था कि मेरा एडिटिंग का काम है। जी जी। तो उसके लिए जो ये हमने SSD रिकमेंड की थी, तो इसको हम जो अपनी हार्ड डिस्क है उसके स्लॉट पे लगाएंगे। ठीक है ठीक है भैया। तो उससे क्या होगा, आपका एडिटिंग वर्क है वो बूस्टअप होगा। ओके ठीक है ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी शुरू कीजिए। हार्ड डिस्क है ये? आपकी हार्ड डिस्क है? अच्छा जी ठीक है, इसकी जगह पे हम ये लगाएंगे SSD। ठीक है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। संजीव भाई, जब ये SSD आई तो मैं तो एक बार घबरा गया था कि इसका जो बॉक्स है बहुत ही लाइट वेट में था। मैं सोचा इसके अंदर कुछ सामान है भी या नहीं भी। ऐसा भाई, क्योंकि ये SSD है तो नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है वैसे इसके अंदर MMC होती हैं। अच्छा जी। तो वो क्या होती है, वो वेट होता ही नहीं MMC में, लेकिन जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि प्योर मैग्नेट और प्योर जो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ओके। तो उसके कारण हार्ड डिस्क में वेट ज़्यादा होता है। ओके ओके जी हाँ भैया।
कनेक्ट कर दिया है और अभी वो टाइम देखेंगे कि आप इतना टाइम कम हो गया और तुरंत ही जो है रहा है और हमारे जो रमन भैया है वो वीडियो एडिटिंग के जो प्रोफेशनल है तो उनका सॉफ्टवेयर होता है तो मैं आपको वो ओपन करके दिखाऊंगा और आप जल्दी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने ओपन किया और ये देखिए बिल्कुल एक झटके में खुल गया। संजीव भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरे जो लैपटॉप की लाइफ और बढ़ा दी, अपग्रेड कर दिया इसको। थैंक यू भैया फॉर योर सपोर्ट। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग संजीव भाई के पास आएं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई आपको लैपटॉप में या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेसरी या लैपटॉप में कोई पीसी में कोई प्रॉब्लम हो तो संजीव जी के पास आएं और सही इलाज कराएं अपने पीसी का अपने लैपटॉप का। थैंक यू संजीव जी।